बच्चों को छोटी मोटी भूख लगने पर हम बना सकते हैं सिंपल तरीके से टेस्टी नाश्ता, वो भी मिनटों में। तो आज हम बनाएंगे झटपट गार्लिक ब्रेड स्टिक, बहुत ही सिंपल तरीके से मिनटों में। गार्लिक ब्रेड स्टिक बनाने के लिए हम लेंगे बटर 1/4 कप, उसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और 8 to 9 क्लोव्स गार्लिक के लहसुन के एकदम अच्छे से क्रश करके। साथ ही यहाँ पर धनिया पत्ता 1 टेबलस्पून जितना आप चाहो तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पर मिक्स हर्ब्स ली है 1/2 टेबलस्पून और चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून, आप चाहो तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो थोड़ी, और हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बटर तो तैयार हो चुका है, गार्लिक बटर। अब यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड लिए, आप चाहो तो होल व्हीट ब्रेड भी ले सकते हो। अब हम इसको 4 समान हिस्सों में काट देंगे, आप चाहो तो इसको 3 हिस्सों में भी काट सकते हो। अब हम यहाँ पर बटर लगाएंगे, जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था उसको एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसको अच्छे से लगाना है बिकॉज बटर तो वैसे भी हेल्दी ही होता है। सो आप चाहो तो दोनों तरफ लगा के फिर आप उसको शेलो फ्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं पहले एक ही तरफ लगाऊंगी। इसी तरह से ये हमने सारी ब्रेड स्टिक तैयार कर ली है, अब हम इसको शेलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं बटर लगा रही हूँ, पैन को एकदम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके गार्लिक ब्रेड स्टिक रख लेंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है, और दूसरी तरफ जैसे आप इसको टर्न करते हो उधर भी आप गार्लिक बटर जो हमने तैयार किया है उसको रखिए, और हर 5 to 8 सेकेंड्स में इसको टर्न करते रहिए और स्लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो इसका जो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो हमने डाला है इसमें मिक्स हर्ब वो जल जाता है, उसकी वजह से कड़वा टेस्ट आता है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ये देखिए हमारा झटपट बनने वाला गार्लिक ब्रेड स्टिक तैयार हो चुका है, और इस पर मैंने कुछ हर्ब्स स्प्रिंकल किए ऊपर से। सो हैव इट, अपने बच्चों को भी खिलाइए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपके कमेंट्स दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।